नमस्कार साथियों, तो अभी आप देख सकते हो एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ। नगर पालिका कर्मियों की काली करतूत आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, आज बारिश, एक तो मौसम की मार पड़ रही है किसानों पर, दूसरा ये हमारा खेत है जिसको मैं किराए पे लेकर इधर कार्य करता हूँ, इसमें उगाई पे इसको ले लेता हूँ जैसे बोलते हैं। तो हमारा खेत में इधर से अभी ये नाली वाला पानी जा रहा है, इधर इतना नाली में कचरा है, इसकी वजह से पानी पास नहीं हो पा रहा है। आगे पूरी नाली कचड़े से भरी हुई है, पूरी इतना आप देख सकते हो। इस कचड़े की वजह से पानी पास नहीं हो रहा, इधर से पानी निकल के सीधा मेरे खेत में जा रहा है। इधर आप देखिए, आगे आलू में दिखा दो कितना कौन सा करेगा। कैमरामैन से कहना चाहूँगा पाँच फीटर से पानी जरा आलू में आप देख सकते हो कितना पानी है, कितना पानी इधर और आगे बढ़ गया। इसका भरपाई कौन करेगा? ये आलू जितना आपको दिख रहा है, जितना ये डूब गया है, ये सब इसी नगर पालिका का इसको करेक्टर उसका हो जाता है पूरा। सॉरी, खंडवा दिखाओ आप पहले। ये आलू देखो डूब चुका है, कितना आलू बर्बाद हुआ है यहाँ पे। ये आलू खराब हो, इसकी भरपाई कौन करेगा? जूम करके दिखाओ थोड़ा, इधर आ जाइए। अभी आपको देख कचड़ा मैं अभी दिखा दूँ, नाली में कितना कचड़ा है साला। रोज नगर पालिका का कर्मचारी इधर सफा करने आता है, लेकिन यहाँ पे ये नाली साफ नहीं होती है। इसका मैं पहले भी ऑलरेडी वीडियो एक डाल चुका हूँ। ये नाली साफ होती है, ये है काली करतूत नगर पालिका कर्मियों का तालाब, नगर पालिका कर्मियों अभी यहाँ ग्रामीण लोग ये खड़े हैं हमारे गांव के, इनसे ही कुछ पूछते हैं नाली सफाई कैसी क्या करते हैं, नगर पालिका क्या सफाई करता है इनसे। हाँ, तो आपका क्या नाम है? बोलो। अनिल कुमार। तो नाली साफ करने वाला ये आता है? अच्छा, हमारे ऑडियंस को बताओ आप, सफाई होती या नहीं होती है? सफाई होती जब कभी होती, लेकिन सफाई मतलब नाली भी टूटी है और सही नहीं बनी है नाली। नाली भी टूटी है, आगे एक नाली मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आइए नाली टूटी हुई है, आइए दिखाते हैं, आगे आइए बात। पूरी नाली कचड़े से दुरुस्त हुई, देखिए तमाम कचड़ा है नाली, ये देखिए नाली है, ये नाली है, ये वैंक जो टूट के इतनी छोटी हो गई है। आगे आइए, और यहाँ कहाँ से पानी पास होगा यार, यहाँ देखो ये कितना छोटी सी ये फावड़ा, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में इतना छोटा, यहाँ कहाँ से पानी पास होगा, ये इतना जा रहा है यार। ये नाली है जो, कोई नाली है यार, 3 इंच का इतने डिस्टेंसिंग है पूरा रोड से नाली की तरफ। ये सफाई होती है, ये देखो ये सफाई होती है, कहाँ से पानी पास होगा, सफाई ही नहीं होती साली। कर्मी रोज आते हैं बट सफाई नहीं होती है। ये नाली है, ये आपको दिख रही है ये वाली, इस नाली के नीचे इतना कचरा है, ये सफाई होती नहीं है और टूटी है ऑलरेडी है, इसको सही किया जाए अगर तो पानी पास हो सके। सफाई नहीं की जाती यहाँ, कुछ ध्यान ही नहीं, नगर पालिका नाम बना दिया है खामोखा। इधर आ जाइए, गांव के सदस्य तो सही तो पूछ ले कम से कम, चेयरमैन साहब भी खड़े। निकास तो दे जो, फंसो है यार आगे ये यार। पूरी बरसात पर हम ही सफाई करते हैं इसकी, नुकसान हमारा हो रहा, किसी क्या पड़ी है। बोले टूट गई, चल हटा ना यार, फावड़ा ही टूट गया यार। आगे आ जाएगी, अभी मैं और आपको दिखाता हूँ नाली, देख रहे कितनी ओवरलोड होके चल रही है नाली यार, छोटी है इतनी और इतना कचरा है, कहाँ से पानी पास हो पाएगा। ये देखिए नाली पूरी फुल है, पूरी नाली फुल है, पानी इधर उधर जाता है बिल्कुल, पानी कहीं जिसका निकास है जहाँ पे वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं जाता है। तो
तो मेरी अपील है हाथ जोड़ के कृपया करके गांव नारायणपुर में आए, नगरपालिका अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी से निवेदन है, इसका जांच करें और नाली को फिर से दोबारा रिपेयर करवाएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।